ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। कॉट स्क्वायर है, ब्रैकेट में क्या है, sec a माइनस वन अपॉन वन प्लस साइन ए, प्लस sec स्क्वायर है, साइन ए माइनस वन अपॉन वन प्लस sec a। प्रूफ क्या करना है हमें, जीरो LHS लेंगे, RHS के इक्वल हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो LHS कॉट स्क्वायर है sec a माइनस वन वन प्लस साइन ए, और प्लस में sec स्क्वायर है साइन ए माइनस वन अपॉन वन प्लस sec ए। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन ए, और फिर इधर से क्या आ गया, वन प्लस sec ए। अब जरा देखना, साइन ए से साइन ए कैंसिल, वन प्लस sec ए है तो उसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर है तो है ही sec a माइनस वन, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, वन प्लस sec a। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा, वन प्लस sec a से वन प्लस sec a कैंसिल, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो अब यहां क्या मिलेगा, प्लस sec स्क्वायर है, और साथ में क्या मिल गया, साइन a माइनस वन और वन प्लस साइन a। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ये जो है ऊपर वाले का और ये नीचे वाले कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। भाई देखो एलसीएम लेने में क्या करते हैं, देखो दोनों आपको पता है आ गए सेम, ग्रामेटर में सेम आ गए, अब साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, तो यहां पर नीचे क्या बचा, वन प्लस sec a, तो इस वन प्लस sec a की इस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आया कॉट स्क्वायर है, प्लस ये ले लिया इसके साथ में, ये चला गया। ठीक है ना, सेम इसी तरीके से sec a कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास क्या बचा, वन प्लस साइन ए, तो वन प्लस साइन ए के ऊपर मल्टीप्लाई होगी, वन प्लस साइन ए ऊपर आ गया। हाँ जी, ठीक है, अब जरा ध्यान दो, कॉट है यानी कॉट स्क्वायर है, अब जरा देखना sec a माइनस वन और ये क्या है, वन प्लस sec a, अगर इसे चेंज भी करोगे दोनों प्लस के हैं, तो sec a प्लस वन भी हम इसे नोट कर सकते हैं, तो यानी यहां से क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस वन, ठीक है ना, और प्लस sec स्क्वायर है, साथ में क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a माइनस वन अपॉन वन प्लस साइन ए और वन प्लस sec, ठीक है, वन प्लस साइन ए वन प्लस sec ए। अब बताओ sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब कुछ sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, tan स्क्वायर ए, तो यहां से हम उसे अप्लाई कर देते हैं, तो यानी cot स्क्वायर ए sec स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू क्या होता है, tan स्क्वायर, तो यहां पर क्या कर देता हूं मैं, tan स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर sin स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू क्या होता है, या वन माइनस sin स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर, क्या होता है, cos स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये माइनस cos स्क्वायर a, अब ये माइनस जो करेगा, अभी देखना, ये माइनस इसे माइनस बना देगा, और अपॉन में क्या है आपके पास में, वन प्लस साइन ए और साथ में क्या है, वन प्लस sec ए। अब थोड़ा सा तुम एक चीज में कंफ्यूज हो रहे होगे, sec स्क्वायर ए माइनस वन की जगह होता क्या है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है cos स्क्वायर, हमने क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया, जो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और ये जो माइनस है ये से यहां पर क्या बना देगा, हमें माइनस ला देगा, ठीक है ना, माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो अब हमारे पास यहां से क्या बनेगा, cot स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए, और माइनस में क्या हो गया, sec स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर ए अपॉन में वन प्लस साइन ए और वन प्लस sec ए। यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब जरा देखिए cot स्क्वायर ए, cot इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन टेन, भाई होता नहीं होता, cot इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन टेन, तो यहां से या तो cot को चेंज कर दो या tan को चेंज कर दो, किसी एक को चेंज कर दो, और इसी तरीके से sec इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन cos, या तो cos को sec में चेंज कर दो या sec को cosec में चेंज कर दो, तो यहां से अब हमें क्या मिल जाएगा, वन अपॉन tan स्क्वायर चेंज कर दिया इंटू tan स्क्वायर माइनस
sec स्क्वायर को कर दिया 1 अपॉन cos स्क्वायर है इनटू cos स्क्वायर है अपॉन में डिनोमिनेटर में सेम आया 1 प्लस sin a, पीछे से बेटा दिखाई दे रहा sec a, ठीक है। अब देखिए cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कैंसिल। अब हमें यहां से क्या मिला 1 माइनस 1 बाई, इससे ये कैंसिल हुआ 1 टाइम माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट में 1 प्लस सेक ए। अब 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 0, 0 अपॉन साइन ए और 1 प्लस सेक ए। अब 0 के बारे में आपको बताइए, किसी से भी अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, और हमें भी क्या प्रूव करना है 0, तो यहां से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या बनेगा आपका 0 हो गया आंसर। तो ये क्या हो गया आपका LHS इज इक्वल टू RHS, लिख दीजिए हैंस प्रूव, ठीक है समझिए। दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ओके डन, पहला समझ आया मुझे ऐसा आ गया, चलो ठीक है नोट कर लो।